हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर, 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से बिहार में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने दिए कई निर्देश। जी हां, देश के 5 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अलर्ट रहने तथा कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज पर नज़र रखने का निर्देश दिया है। विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा सोमवार को पुनः सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक में इस महामारी से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की जाएगी। 14 फर्जी परीक्षार्थियों को जेल, परीक्षा में स्कॉलरों को बैठाने की जांच शुरू। जी हां, सदर थाना क्षेत्र के स्वामी सहजानंद कॉलोनी स्थित एक केंद्र पर दूसरे के जगह पर बैंक की परीक्षा देते गिरफ्तार 14 परीक्षार्थियों को रविवार को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। जेल जाने वाले 4 परीक्षार्थी औरंगाबाद, 2 पटना व गया के हैं। जेल भेजने से पूर्व पुलिस ने सबसे परीक्षा फर्जीवाड़ा में शामिल रैकेट के बारे में पूछताछ की। पुलिस रैकेट द्वारा परीक्षा में स्कॉलरों को बैठाने समेत कई अन्य बिंदुओं पर जांच करेगी। गिरफ्तार किए गए फर्जी अभ्यर्थियों के इलाके से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। अन्य परीक्षा में भी शामिल होने के बिंदु पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। इन सभी पर FIR दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर, सोमवार यानी आज पेश होगा बिहार का बजट, गांवों को मिलेगी विशेष तवज्जो। जी हां, बिहार का आम बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश होगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट सदन के पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के इस बजट का आकार करीब 2,15,000 करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है, जो कि गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2,11,761 करोड़ रुपये से अधिक है। बजट में जहां कोरोना महामारी के प्रभावों से उभरने के उपायों के संग स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस रहेगा, वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मुख्य बिंदु होगा। बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने और खासकर बिहार के गांवों की खुशहाली पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी गांवों में अब ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की मिलेगी सुविधा, जाने कब तक सरकार इस लक्ष्य को करेगी पूरा। IT व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अप्रैल महीने तक राज्य के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। समपचतक प्रखंड के कनौजी कछवारा गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा प्राप्त हो जाने से गांव में ही हमारे विद्यार्थियों को देश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, वे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। देश में 4,00,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है। अगली बड़ी खबर, पुरानी पद्धति से बंद होगा ईंट भट्टा का संचालन, जिग जैग तकनीक से कम होगा प्रदूषण। मंत्री पद संभालने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह कल पहली बार सुपौल पहुंचे। बिहार सरकार में मंत्री और छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि 2012 से अब तक बिहार में 23 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस साल 5 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं बिहार में पुरानी तकनीक से संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर कहा कि जिन चिमनियों में जिग जैग तरीके से ईंट का उत्पादन नहीं हो रहा है उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा, इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक भी करना होगा। विशेष अभियान में आप भी बनवा ले अपना आयुष्मान कार्ड, 5,00,000 रुपये तक का ले सकेंगे मुफ्त इलाज। जी हां, राज्य में हर एक गरीब व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इसके लिए
3 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो आप इस कार्यक्रम के जरिए आप 3 मार्च तक बना सकते हैं। इसके लिए पंचायती राज विभाग के कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा एवं जन प्रतिनिधि से आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है। कार्ड बनने के बाद लाभार्थी को जिले के सूचीबद्ध निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो पाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा ले। मैट्रिक परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र शेयर करने वालों की खैर नहीं, 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। जी हां, सोशल मीडिया पर मैट्रिक परीक्षा 2021 का फर्जी प्रश्न पत्र शेयर करने वालों की अब खैर नहीं। इस मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड सख्त हो गया है। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने वालों के खिलाफ बिहार बोर्ड ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिहार बोर्ड के सचिव ने नोटिस जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया पर शनिवार को उत्कर्ष सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से वर्ष 2020 का प्रश्न पत्र वायरल कर अफवाह फैलाया गया। मैट्रिक परीक्षा 2021 के अंग्रेजी प्रथम प्रश्न का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जो पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। साथ ही इस ट्वीट पर राहुल यादव द्वारा भी ट्विटर अकाउंट से प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना फैलाई गई। इस तरह की गलत सूचना को वायरल करने के विरुद्ध उत्कर्ष सिंह एवं राहुल यादव के विरोधी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सचिव ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के तथाकथित प्रश्न पत्र अथवा तथाकथित उत्तर सामग्री को फोन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति अथवा ग्रुप में भेजने पर या ऐसी अफवाह एवं तथाकथित सूचना प्रसारित करने पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं IT एक्ट के सही धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर केंद्र की तरफ से सकारात्मक पहल, 6 पॉइंट किए गए तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर इस बार केंद्र की तरफ से सकारात्मक पहल की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की हुई बैठक का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि पहले तो सिर्फ नीति आयोग की बैठक ही होती थी, लेकिन यह अच्छी बात है कि इस बार केंद्र ने 6 पॉइंट तय किए हैं, जिनके आधार पर विशेष राज्य के दर्जे के दावे को परखा जाएगा। इसके लिए केंद्र को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, कुछ आइडिया के साथ केंद्र सरकार ने बैठक की है, इस बार कुछ तो नया पहल की गई है। मुख्य सचिवालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी गंभीरता से इस मुद्दे को केंद्र के सामने उठाया गया है। केंद्र ने बिहार के अधिकारियों के साथ निर्धारित किए गए 6 पॉइंट पर विस्तार से बैठक की है और अधिकारियों को इन बिंदुओं से जुड़े सभी पहलुओं को बताने के लिए भी कहा है। राज्य में बिजली मीटर की जांच कराई तो जेब होगी ढीली, 200 से लेकर 2000 रुपये तक लग सकता है। जी हां, बिजली मीटर खराब होने पर उसके जांच में अब अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष मीटर जांच का शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित शुल्क 200 से लेकर 1100 रुपये तक है। अगर आयोग की मुहर लगी तो लोगों को 1 अप्रैल से नई दर के अनुसार ही मोटर जाँच करानी होगी। बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन के अनुसार लोगों को अलग अलग मीटर दिए जाते हैं। घरेलू श्रेणी में अधिकतर उपभोक्ता सिंगल फेज मीटर का उपयोग करते हैं, जबकि व्यावसायिक, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग में मीटर अलग अलग होते हैं। बिहार में अभी 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या हो चुकी है। इसमें 94% से अधिक घरेलू श्रेणी के हैं। घरेलू श्रेणी में सिंगल फेज मीटर की जाँच के लिए कंपनी आयोग को 200 रुपये का प्रस्ताव दिया है। अगली बड़ी खबर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अब भोजपुरी, अंग्रेजी और मैथिली की भी होगी पढ़ाई। जी हां, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भोजपुरी, अंग्रेजी व मैथिली की पढ़ाई शुरू होगी। इन तीनों कोर्सों में नामांकन शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर PK वर्मा ने कहा कि UG PG दोनों में ये कोर्स शुरू किए जाएंगे, इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही प्रस्ताव राजभवन व सरकार के पास भेजा जाएगा। नए सत्र आने तक उक्त सभी कोर्सों को विश्वविद्यालय में शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जा रहा है। प्रोफेसर PK वर्मा ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी, वर्तमान समय को देखते हुए सभी जरूरी संशोधन किए जाएंगे। बिहार में इस संजीवनी 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम और वेंडर ऐप की शुरुआत,
ग्रामीण इलाकों के मरीजों को मिलेगी बड़ी सुविधा। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट टू के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ऐप का शुभारंभ किया। इस संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के तहत बिहार में 1723 सेंटर पर मरीजों को इसकी सुविधा मिलेगी। इसके बाद मार्च के अंत तक 3000 स्वास्थ्य केंद्रों तक इस संजीवनी की व्यवस्था होगी। बिहार के 711 थाना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जुड़े स्थानीय अदालतों को भी किया जाएगा लिंक। जी हां, बिहार के थानों को CCTNS नेटवर्क से जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो सकता है। शुक्रवार तक 711 थाना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम से हिस्सा बन गया है। इन थानों को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए स्थानीय अदालतों से भी लिंक कर दिया गया है। आपको बता दें कि CCTNS नेटवर्क से जुड़े चुके थानों में दर्ज होने वाले FIR को डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके लिए नेटवर्क में पहले से व्यवस्था की गई है। FIR के साथ ही स्टेशन डायरी की भी एंट्री डिजिटल फॉर्म में की जाती है। अगली बड़ी खबर, 1 मार्च से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा, यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हां, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1 मार्च से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों के संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ छपरा स्पेशल ट्रेन का संचालन सप्ताह में 4 दिन 1 मार्च से किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर छपरा फरुखाबाद का संचालन सप्ताह में 2 दिन 2 मार्च से किया जाएगा। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसका अपडेट आने पर हम आपको बिहारी मीडिया चैनल पर जरूर बताएंगे। अगली बड़ी खबर, 1 मार्च से खुलेंगे पहले से 5वीं तक के बच्चों का स्कूल। कोरोना काल के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना काल के बाद पहली बार क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 मार्च से पहले क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार स्कूल खुलने के संबंध में ये बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 50% बच्चों के साथ ही स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। बिहार में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल से ITI करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरी देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या अन्य किसी ट्रेड से ITI करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सभी सरकारी ITI का सर्टिफिकेट अब देश भर में मान्य होगा। केंद्र सरकार ने NCVT की मान्यता दे दी है, इससे स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। बिहार के सभी 149 सरकारी ITI को केंद्र सरकार से मान्यता दे दी गई है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि अब जो भी छात्र बिहार के इन कॉलेजों से पास होंगे उनकी डिग्री की मान्यता देश भर में होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका फायदा छात्रों को देश और विदेशों में भी मिलेगा। छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप अन्य लोकप्रिय व्यवसाय शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 9 जिलों में 1-1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की गई है। इन 9 संस्थानों में 5 भवन तैयार हो चुका है। इस योजना अंतर्गत सभी ITI के कुशल प्रबंधन के प्रावधान के अनुरूप संस्थान प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।